मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस पढ़ने के बाद आज की क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ कोलराउस्ट लॉ का स्टडी करेंगे फॉर एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। इस लॉ को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इन अ सेल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंसेस प्रेजेंट। तो जो भरा हुआ यहां वैद्युत अपघट्य विलयन है, इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस है, यदि इसका डाइल्यूशन करें अर्थात इसका तनुकरण करें तो जैसे जैसे इसका हम डाइल्यूशन करेंगे वैसे ही इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी अर्थात मोलर चालकता का मान वृद्धि करेगा, बढ़ेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस अनंत तनुता पर यानी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर तब तक ग्रोथ करेगी जब तक कि उसका लिमिटिंग वैल्यू यानी सीमांत मान मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट प्राप्त ना हो जाए। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को उसके मुख्य बिंदु पर आधारित डिबेट के लिए फिर से डिफाइन कर दें कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस का डाइल्यूशन करने पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी तब तक इंक्रीज करेगी जब तक कि इन्फिनाइट डाइल्यूशन की लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त ना हो जाए। इस रिलेशन को सर्वप्रथम कोलराउस नाम के साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था और इसलिए अपने नाम पर ही इसे कोलराउस लॉ कहा। इस नियम का प्रतिपादन 1875 में कोलराउस नामक साइंटिस्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस नियम के अनुसार इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन अर्थात यह है अनंत तनुता पर मोलर चालकता और यह धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता है। तो धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं का योग अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल HCl, सपोज दैट इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट ब्रेक डाउन इन H+ एंड Cl- आयन। तो यहां HCl का वैद्युत वियोजन कराने पर H+ और Cl- आयन्स प्राप्त होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस्ट लॉ द इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इक्वल्स टू इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और कैटायन में यहां पर H+ होगा यानी हाइड्रोजन आयन होगा प्लस इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन और यहां एनायन के लिए Cl- होगा। तो HCl की मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू H+ और Cl- आयन्स की मोलर कंडक्टिविटी का टोटल इक्वल होगा। सपोज दैट NaCl इज अ इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस एंड आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इट ब्रेक डाउन इन Na+ एंड Cl- कैटायन एंड एनायन्स अर्थात सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघट्य विलयन का वैद्युत वियोजन कराने पर Na+ और Cl- आयन प्राप्त होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस्ट लॉ मोलर कंडक्टिविटी इन इन्फिनाइट केस फॉर NaCl इक्वल्स टू
इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, तो यहां कैटायन के रूप में सोडियम प्लस मिलता है, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, और एनायन के लिए यहां पर सीएल माइनस प्राप्त होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू कोलराउश लॉ किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस के लिए हम फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इस नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं, अर्थात इसे आयनों का स्वतंत्र अभिगमन नियम भी कहते हैं, और इसे मुख्य रूप से कोलराउश लॉ भी कहते हैं, जिसे कुछ बुक्स में कोलराउश के नाम से भी लिखा गया है, और जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन आपको मैंने यहां बता दिया है कोलराउश, बट बोथ आर राइट, दोनों ही सही है। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ, कोलराउश नियम की उपयोगिता। क्वेश्चन से टू यू, एक्सप्लेन कोलराउश लॉ विथ फॉर्मूला एंड राइट देयर एप्लीकेशंस, देन एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अर्थात अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना करना। फॉर एग्जाम्पल, अ वीक इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस एस्टिक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH। एस्टिक एसिड एक प्रकार का दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, और जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो H प्लस आयन कैटायन के रूप में प्राप्त होता है, जबकि एस्टिक एसिड के H के ब्रेकडाउन से बचा हुआ सबस्टेंस एसिटेट आयन का फॉर्मेशन करता है, अर्थात CH3COO- एनायन के रूप में प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर H प्लस आयन और एसिटेट आयन CH3COO- प्राप्त होते हैं। तो अब इस वैद्युत वियोजन के आधार पर हम इसे फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एस्टिक एसिड CH3COOH इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन मींस H प्लस आयन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस CH3COO-। तो इस प्रकार से हमें फर्स्ट एप्लीकेशन द्वारा पता चलता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस की, अर्थात दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता का इस नियम के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अर्थात दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के वियोजन की मात्रा की गणना करने हेतु यह नियम सर्वाधिक उपयोगी है। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अर्थात वियोजन की मात्रा अल्फा हो और वैद्युत अपघट्य की किसी सांद्रता पर मोलर चालकता को मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा वियोजन की मात्रा और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी यानी कंसंट्रेशन के लिए एक व्यंजक फार्मूला प्राप्त होगा, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी अपॉन इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इनफिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। तो इस प्रकार कोलराउश लॉ इन दोनों ही एप्लीकेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माना कोई एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य ए बी है और जिसका वैद्युत वियोजन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप
ए प्लस धनायन और बी माइनस ऋणायन यानी कटायन और एनायन प्राप्त होते हैं। लेट ए बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स एज फॉलोज। ए बी आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स आउट ए प्लस एंड बी माइनस। इनिशियल कंसेंट्रेशन फॉर ए बी का सी एंड फॉर ए प्लस का जीरो एंड बी माइनस का जीरो। एट इक्विलिब्रियम ए बी के लिए सी इंटू वन माइनस अल्फा, फॉर ए प्लस सी अल्फा एंड फॉर बी माइनस सी अल्फा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के इक्वल्स टू एक्टिव मास ऑफ ए प्लस इंटू एक्टिव मास ऑफ बी माइनस अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए बी। अर्थात उत्पाद पदार्थों के आयनों का गुणनफल अपॉन अभिकारक पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल इक्वल्स टू वैल्यू पुट अप करेंगे तो आयन्स के लिए सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन रिएक्टेंट ए बी के लिए सी इंटू वन माइनस अल्फा। इसे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करेंगे के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज वेरी लेस एंड सो वन माइनस अल्फा इक्वल्स टू वन वैल्यू पुट अप की, हेंस के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ अल्फा के लिए अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय सी। और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर टू में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एप्लीकेशंस में हम लोगों ने पढ़ा अल्फा इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ सी यानी किसी सांद्रता के लिए अपॉन इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी। हेंस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सी अपॉन इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय सी। और इसे माना इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इन इक्वेशंस के आधार पर अकॉर्डिंग टू कोलराउस्टला मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, अब हमारे पास केवल दो सबस्टेंस हैं फॉर सी यानी किसी सांद्रता के लिए, और दूसरा केस है तनुता के लिए जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्फिनाइट कंडक्टेंस ऑफ सी प्लस इन्फिनाइट कंडक्टेंस ऑफ अल्फा, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी हमें कोलराउस्टला के अनुसार। और इसे बनाते हैं इक्वेशन नंबर फोर। तो इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ के द्वारा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ सी अपॉन मोलर कंडक्टेंस ऑफ सी प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय सी। उपरोक्त समीकरण द्वारा हमें कोलराउस्टला के एप्लीकेशंस यानी उपयोगिता का पता चलता है। तो आज हम लोगों ने कोलराउस्टला को ब्रीफली कंप्लीट किया और इसके एप्लीकेशंस को विथ डेरिवेशन समझा, सभी कंडीशंस को क्लियर किया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स के साथ होंगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लॉजिक्स हैं, जो केस हैं, उनका स्टडी करेंगे। तो आपका वर्क की सभी फार्मूले इस रूल से रिलेटेड एप्लीकेशंस आप कंप्लीट कर लीजिए।